हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो किसी भी चीज़ का। जो कि हम आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर के बताएंगे, जो कि 1100 ज़्यादा वैकेंसी है, 1160 वैकेंसीज आई थी उसका। और यूज़र आईडी पासवर्ड आप मोबाइल फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो और मोबाइल फ़ोन से आप अपने कैसे फॉर्म भर सकते हो। तो आपके पास देखिए मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम या तो फायरफॉक्स होना जरूरी है ब्राउज़र का, दोनों में से कोई एक ब्राउज़र होना चाहिए। तुम्हारे पास गूगल क्रोम है, तो अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ब्राउज़र से। तो हम गूगल क्रोम पर क्लिक कर लेंगे, हमारे पास पहले से टैब ओपन था, हम नई टैब ओपन करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है सर्च बार में HP SSB, या तो आप हमारे पास वेबसाइट सजेस्ट हो रही है, आपके पास नहीं हो रही तो HPPSC आप भी दोगे, या तो HP SSB लिखोगे सर्च करोगे तो जो कि आपके पास पहली वेबसाइट आएगी तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या, यहाँ पे राइट साइड पे देखिए तीन डॉट दिखाई दे रहे हो ऊपर, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे क्योंकि तीन बिंदु पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी बार आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट यहाँ पे अनचेक है, तो इसको आपने चेक करना है। डेस्कटॉप साइट पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे चेक कर देना जो कि चेक बॉक्स होता है। तो आपके पास फिर ऐसा कंप्यूटर वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, आपने क्रिएट करना, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, नए बंदे हैं। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, अगर आपने किसी कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भराया था, उसके पास पहले से दी है आपने, तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। तो हम साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा बता लेते हैं कि आपने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने नाम डालना है, फिर लास्ट नाम आएगा, फिर मोबाइल नंबर। तो अगर आपका नाम रोशनी देवी है तो रोशनी यहाँ पे स्टार्टिंग में डालना फर्स्ट नेम में, और देवी लास्ट नेम में, और मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी है तो वो रहेगा, जो कि परमानेंट मोबाइल नंबर डालना। और ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं, अगर आपके पास है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डालिएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम अगर आपने करना है तो आप कैपिटल में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए रोशनी है तो रोशनी कैपिटल में लिखिए, फिर एट दी रेट लिखिए, फिर 123, या तो जो भी है आपका मोबाइल नंबर कुछ डालना चाहते हैं स्पेशल, एक 2-3 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप यहाँ पे रोशनी 123 फिर एट दी रेट एंड में भी लगा सकते हो, या तो नहीं लगाना है तब भी कोई कंपलसरी नहीं है, या तो अपनी ईमेल आईडी डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर क्रिएट पासवर्ड में आपको क्या करना है, अपर रो से जो कि लोअर रो से चारों की चारों जो कि तीनों रो है उससे पासवर्ड होना चाहिए, और साथ में 123 होना चाहिए, और स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एग्जांपल थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए जो कि इन्होंने बोला है चूज योर यूज़र नेम, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है मिनिमम 8 करेक्टर और मैक्सिमम 12 करेक्टर। तो यहाँ पर हम आपको टैब ओपन करके बता देते हैं बाहर से ही। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आ गया। तो आपके पास यहाँ पे नीचे देखिए हमारे पास जो कि मोबाइल का ए भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए रोशनी का यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 या 2 कोई भी, पहले मैं आपको नंबर ही डालना, आप नंबर ही डालिएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए 1 डाल दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए R कैपिटल डाल लिया, रोशनी नाम है, हम अपना नाम ही डालें, अगर आप कुछ और डालना चाहते डाल सकते हैं। तो R ऊपर वाली रो से आ गया, O यहाँ से आ गया, S यहाँ से आ गया, H यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे N नीचे वाली रो से आ गया, यहाँ से I ऊपर वाली रो से। तो यहाँ पे देखिए QAZ यहाँ पे तीनों रो से आपका जो कि लेटर आने चाहिए, वर्ड आने चाहिए। अगर आपका नाम यहाँ पे इस और इस रो से आ रहा है, जो कि इसको होम रो बोलते हैं, इसको अपर रो बोलते हैं, इन दोनों रो से आ रहा है, तो यहाँ को आपको नीचे वाली रो से एंड में आप कोई भी वर्ड ले लीजिएगा, या तो इन दोनों रो से आ रहा है तो यहाँ पे जेड और ए वाली रो से आ रहा है, तो आप यहाँ से क्यू वाली रो से भी एक वर्ड जरूर ले लीजिएगा, चूँकि एंड में आप ले लीजिएगा चाहे स्टार्टिंग में लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि न्यूमेरिकल है, इसको भी एंड में ले सकते, बीच में ले सकते, जब भी या तो स्टार्टिंग में लेना है। तो यहाँ पर जो कि साथ में इन्होंने बोला है परसेंटेज या स्टार, जो कि यहाँ पे फिर बोला गया, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क्स होता है उसको, या तो यहाँ पे ए वाले जो रो होता है इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हम, मैं आपको रिकमेंड करूँ परसेंटेज स्टार में से कोई एक में से आप दो में से चूज कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम 12 करेक्टर का पासवर्ड है और मिनिमम 8 करेक्टर आपके पास होने चाहिए, तो आप 8 से 12 के बीच में इसको चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपने कन्फर्म पासवर्ड करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड अपना सेव करोगे, उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड बन चुका है। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो फिर भी आपने लॉगिन की कोशिश करनी है, जो कि साइन इन पे पहले आप टैप पे यहाँ पे रन हो जाओगे, तो यहाँ पे आपने सेव कर देना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। तो हम एक पासवर्ड यहाँ पे यूज़र आईडी बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे चले जाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे पेज पे बता दूंगा। तो हमने एक यूज़र आईडी पहले ही बनाई हुई है, तो हम, मैं आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पे कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे वो आपकी जो कि यूज़र नेम होगा वो आपने यहाँ पे डालना है, देखिए यहाँ पे बोला है, और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। फिर जो कि यहाँ पे देखिए एंटर कैप्चा, जो कि यहाँ पे सेम दिया गया 8ZZ8 यहाँ पे वो डालना है, तो सेम ऐसा ही आपको डालना है। जो कर कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में दिया तो स्मॉल में, सेम ऐसा डालना है। अगर आपको इसको रिफ्रेश करना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप जो कि रिफ्रेश का आइकन दिया, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते। देखिए अब YFQHR है, JHR है कैपिटल में, तो यहाँ पर फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश कर लेते हैं, हमारे पास पहले से यूज़र आई डी पासवर्ड है, तो हम डाल देते हैं इसमें।
तो यहाँ पे देखिए हमने अब अपना यूज़र आईडी डाल दिया है जो कि हमारा पास पहले से ही बना हुआ था, हमने बनाया हुआ था। अब इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे, तो कैप्चा सेम आपने वैसा डालना तो जो कि हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, सॉरी हमने गलत डाल दिया, YFQ कैपिटल में है, HJHAB कैपिटल में है। तो उसके बाद हम सबमिट पे करेंगे, सबमिट पे कोशिश, तो यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट। तो यहाँ पे देखिए तो हमने ये पहले ऐसे ही फॉर्म भरे हुए थे, अगर आपने पहले फॉर्म भरे तो आपके पास ऐसा आ जाएंगे, हमने फिर ये भी बस जस्ट बताने के लिए भरे थे, तो आपने हमने पेमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे फॉर्म है सारे सारे जो भी आपको पसंद है आप उसको भर सकते हैं, तो 42 के डिपार्टमेंट के 42 के। तो यहाँ पे देखिए चूँकि जियो का फॉर्म हम भरने वाले, तो जियो का फॉर्म है 20th पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए 20वें नंबर पे है, तो आपने 20वें नंबर पे आ जाना, जल शक्ति विभाग के नीचे वेरियस डिपार्टमेंट जियो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 पोस्ट कोड, तो इसके सामने वाला जो कि अप्लाई नाउ का टैब दिया गया हमने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर चूज करना है अपना एग्जाम सेंटर जो भी है आपको बिलासपुर चंबा पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दी होगी 12, तो हम मंडी चूज कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद करना है यहाँ पर आपने प्रोसीड पे क्लिक। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पुअर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप क्योंकि वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में भी जो कि 3 डॉट दिया गया है वहाँ पे जो कि ऑटो होगा उसको आप यहाँ पे 720 पिक्सल या तो 180 पिक्सल यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे कर देते हैं क्लिक। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए तो आप ऐसे पेज पे रन हो जाओगे, तो आपके पास ऐसा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्म पहले से भरा हुआ, तो इसकी हमारी डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पे सेव पहले से ही है, बट आपकी यहाँ पे सेव नहीं होगी, आपका नाम यहाँ पे सेव होगा। तो फिर आपने करना क्या, तो यहाँ पे अपना नाम ले, अपने फादर का नाम डालना, कोई MR मिस्टर SS श्रीनील गाना है तो यहाँ पे जस्ट आपने अपने फादर का नाम दूसरे कॉलम में डालना, फिर अपने मदर का नाम डाल देना है, तो यहाँ पे फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की एज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अगर आपको है SC ST OBC कैटेगरी से तो यस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे बताया गया अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस और नो कर देना, अगर आप नहीं है तो नो। फिर आपने जेंडर चूज करना है मेल फीमेल, फिर बोनिफाइड माचली आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ पे फिर नीचे आपकी कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे देखिए रिजर्व कौन सी है, जनरल EWS ST OBC, तो SC कैटेगरी दी गई हुई है आपके होगी आपके पास। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे EWS नहीं आ रही है, बट आपके पास हो जाएगी क्योंकि ये पुराना यहाँ पे ओपन हो यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो जनरल OBC SC ST SC ऐसा आएगा, तो यहाँ पे EWS भी नीचे लिखा होगा तो ऐसा आपके पास आएगा। तो सेम यहाँ पे फर्दर आपको करना क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे अनरिजर्व्ड, यहाँ पे सब कैटेगरी में यहाँ पे सॉरी अन यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास सिर्फ जनरल आएगा, यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में आपको यहाँ पे आएगा सब कैटेगरी में, यहाँ पे EWS मिलेगा आपको, EWS BPL जो भी आपका यहाँ पे है, तो EWS है तो आप EWS ले, अगर आपकी जनरल है अनरिजर्व्ड है तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कर देंगे हम, EWS पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए, फिर आपने अपना यहाँ पे स्टेट लिखनी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप तो हिमाचल प्रदेश से है तो वो चूज करनी, यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश से, तो फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज करनी, हमने पहले मंडी की हुई है तो यहाँ पे देखिए मंडी हमने की हुई है, आपके लाहौल स्पीति जो भी है तो यहाँ पे आपके पास, फिर आपके पास सेम यहाँ पे तहसील का ओपन हो जाएगा, तहसील का आपको बाद में होगा, पहले आप स्टेट चूज करोगे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगी, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नहीं आएगी, मैं आपको कंफर्म कर दूं, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट अनेबल होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट अनेबल होने के बाद आपके पास तहसील अनेबल होगी क्योंकि ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है। फिर आप एड्रेस पर लिखोगे, यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया है, तो यहाँ पर देखिए फिर आपका पिन कोड कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा 75529 है तो वो डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यहाँ पे स्टार दिया गया तो यहाँ पे लगेगी, या अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको चेक कर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पे अनचेक कर देना है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, अगर आपका सेम एज इट है तो यहाँ पे इसको आप चेक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास वो गायब हो जाएगा नीचे वाला, और अगर लग गया तो आपके इसको अनचेक कर से, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना मोबाइल नंबर डालने के बाद, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी है, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी भी आपको कंपलसरी यहाँ पे स्टार दिया गया था, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ एक बात कंफर्म करा दूँ, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, पहले ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं थी बट अब कंपलसरी है, तो हम इसको प्रोसीड कर देंगे, हमने दोनों चीज़ें फिल कर दी है, तो इसके बाद हम प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसेस पे चले गए हैं, तो यहाँ पे आपको डालना है चूज करना अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, फिर करना है यहाँ पे आपने आगे प्रोसीड, हमें एप्लीकेशन आईडी मिल गई है, तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद
हम आगे करेंगे तो आपको फोटो और ये जो कि सिग्नेचर है कैसे रिसाइज करने, तो इसके रिगार्डिंग एक ऐप होती है, या तो ऑनलाइन भी आप क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो फोटो आपने जस्ट ब्लैंक पेज पे यहाँ पे साइन करने है, उसके बाद उसका फोटो ले लेना है, और उसका जो कि यहाँ पे सिग्नेचर का भी ये करना है आपने, जो कि यहाँ पे फोटो का आपका पास जो भी फोटो होगा उसको क्रॉप कर देना, और इसका साइज़ मिनिमाइज करना है जो कि आपका पीडीएफ फाइल में दिया हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितने कितने केबी से नीचे का होना चाहिए। वैसे 20 KB का जो कि सिग्नेचर होता है, 20 KB या यहाँ पे 10 KB का, और फोटो जो कि यहाँ पे 30 से 50 KB तक उठा लेता है, और जो कि सिग्नेचर 10 या 20 KB का होता है, जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कितने कितने MB की यहाँ पे, सॉरी KB की आपको फाइल देनी है। उसके बाद चूज करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हमने चूज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप एक बार चूज कर लीजिए, हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिग्नेचर और फोटो जो अपलोड करेंगे उसके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, बट हमारे पास ऐसा ओपन हो रहा है, बट आपके पास सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ओपन होगा। हम लोग लॉग आउट हो गए थे, तो लॉग आउट होने के बाद हमने लॉग इन किया, तो हमारे पास पूरा का पूरा पेज खुल गया है। तो यहाँ पे आपके पास भी ऐसा ही खुल जाएगा अगर आप लॉग आउट होते हैं, लॉग इन करने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद ऐसा ओपन हो जाएगा जब आप सिग्नेचर तक पहुँच जाओगे। तो हमने जो कि सिग्नेचर है 30 KB से नीचे होने चाहिए आपके, और वो जो कि फोटो है वो 50 KB से नीचे का होना चाहिए उसका साइज़। तो आप दोनों अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको मेट्रिकुलेशन के मैट्रिक के अपने नंबर डालने, उसके बाद +2 के जो कि आपकी स्ट्रीम होती है वो डालनी है, और उसके बाद यहाँ पे दिया सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। यहाँ पे सभी जो कि कैंडिडेट है वो थोड़े यहाँ पे डिस्टर्ब है कि उनको पता नहीं लग रहा है यहाँ पे सर्टिफिकेट का क्यों दिया गया कॉलम, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा शुड है पास +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, और थोड़ा सा यहाँ पे और भी दिया है 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसमें पूरा दिया गया जो कि यहाँ पे मांगा गया है, 1% कोटा वगैरह जो कि पूरा का है। तो यहाँ पे देखिए जिसके अगर +2 है तो उसको इसको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा गया देखिए शुड हैव पास +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी मेट्रिकुलेशन यूनिवर्सिटी, और आगे दिया गया है और है अगर आपकी 10th पास है तो आपके साथ ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ITI वगैरह एक्सेट्रा। अगर आपके पास +2 है तो आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इसको आप अगर +2 आपने ऊपर यहाँ पे डाल दी है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम लिखनी है जो कि आल के नीचे यहाँ पे देखिए 10th में आल है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देनी है, फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश बोर्ड है और कौन सा बोर्ड है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन से स्कूल से आपने पास किया, सब्जेक्ट के आपको नेम देने हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है विदाउट डेसिमल। आपके अगर यहाँ पे परसेंटेज 58 है, क्योंकि अगर आपकी 58.46 है तो आपने उसको 50 यहाँ पे 58 ही लिखना है। अगर हाँ आपकी 58.5 से ऊपर की जो भी परसेंटेज आपकी देती है, 70 बन रही है, 58.70 जा रही है, ये जा रही है, तो उसको आप 59 में कर डाल सकते हो, 59 लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल में है। तो जो 50 से ऊपर का जो डेसिमल जाता है 58.50 है, जैसे 50.50 है, तो आपको उसको 50 में ही लेना पड़ेगा। अगर हाँ 50.60 आपकी बन रही है तो उसको आप 51 में ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा रहता है, इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे का चला पड़ता है, क्योंकि वो 50 से ऊपर का रिबेट चला जाता है जैसे राउंड फिगर में होता है, तो उसमें आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में आपको वैसे +2 वालों को इसको भरने की जरूरत नहीं है कॉलम को, अगर आप भरना चाहते हैं फिर भी भर सकते हैं, अगर आप नहीं भरना चाहते क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर ही लिख दी है अपनी +2 की क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए इसको चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, एंटर स्ट्रीम जो भी आपने +2 की है तो वही रहेगा, तो इसमें यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे PPL बोला गया, फिर यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज पर असेंशियल क्वालिफिकेशन इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट को डाउट था, बहुत सारे वेरियस टेस्ट में डाउट था, तो यहाँ पे बोला गया इफ़ एप्लीकेबल, अगर मांगा गया है तो आप भरिए, अगर नहीं मांगा गया है तो मत भरिए, क्योंकि जो एक प्रोफॉर्मा होता है वो जो कि डिज़ाइन किया होता है वो वेरियस पोस्ट कोड के लिए किया गया, 42 पोस्ट कोड का यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो उन सब के लिए ये डिज़ाइन किया गया। अब सिंगल के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता कि आपके लिए अलग से डिज़ाइन किया गया, इसको हटा दिया जाए, तो इसमें कोडिंग होती है, कोडिंग में बहुत ज़्यादा होता है जो कि सर्वर पे लोड पड़ता है, तो इस पर मैं आगे नहीं जाऊँगा, आपको बताऊँगा कि सर्वर क्या होता है इसमें, जो कि स्टोरेज होती है कैसी रहती है, लोड वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है, जैसे हम बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया तो उसका स्टोरेज का होता है, मेमोरी का होता है, बहुत सारे फैक्ट पड़ता है जैसे आपके फ़ोन में होता है, तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके नॉलेज की थोड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आप लॉग आउट हुए होते तो आपको यहाँ पर अपडेट पर यहाँ पर क्लिक करना होता है, फिर यहाँ पर आपका ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपका वैसा ही चला हुआ है तो आप यहाँ पे सेव पे आगे क्लिक कर सकते हैं, सेव चेंजेस पे, फिर आप नेक्स्ट फर्दर आगे हो जाओगे, तो यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है, अगर आप लॉग आउट हुए हैं तो उसको फिर यहाँ पे एडिट करके आपको फिर अपडेट करना है, अगर आप जैसे हम लॉग आउट हुए थे यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होगी यहाँ पे टोटल भर दे। उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, यहाँ पे देखिए जो राउंड में लिखा गया है यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया, तो इस डिक्लेरेशन पे चेक करना है, तो पहले मेक श्योर आप देख लीजिएगा जो कि आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे सिग्नेचर हमारा शो नहीं हो रहा है, और जो कि ऊपर फोटो होता है वो आपका सबमिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर पेमेंट प्रोसीड टू, आपने पेमेंट कर देना है। उसके बाद देखना जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो डायरेक्टली उनका सबमिट हो जाएगा फॉर्म,
उनका आएगा कि आपकी फीस एग्जेम्प्टेड है, और वहाँ पे कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। जबकि आपका फॉर्म कंप्लीट शो नहीं होता वहाँ पे बार, या तो पेमेंट सबमिटेड तो ऐसा नहीं आता है, तब तक आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। जैसे जो भी यहाँ पे है, अगर आपका जो कि मेल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करते हो। जैसे यहाँ पे ओटीपी फिर आपने डालना होता है नीचे, अगर आपको आएगा ओटीपी तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ओटीपी फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे यहाँ पे, पहले ओटीपी आता था बट अभी देखे ना दिखने वाली बात है। तो यहाँ पे आपने सबमिट कर देना, उसके बाद आप फर्दर जो कि नेक्स्ट प्रोसेस है पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगी जो कि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की मिलेगी, बाकी आपको ऑफलाइन चालान वगैरह बनाने की कोई भी यहाँ पे इस पर ऑप्शन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट है उनको फी पे करनी पड़ेगी, बाकी जो कि फीमेल है उनको जितने भी फॉर्म भरे मैं हमने पहले ही बताया, तो फीमेल के लिए बहुत ही ईजी है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के फॉर्म भरिए। अगर कोई भी परेशानी होती है कुछ भी होता है तो आप वीडियो कार्ड जो कि डिस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा कमेंट का यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए आप जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए अपने सोशल मीडिया के, वहाँ पर आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। फोटो आपका रिसाइज नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर शॉप में जाते हो, वैसे 10 रुपये एक फॉर्म भरने के लगे लगते हैं, बट वो 50 से 100 रुपये तक आपसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 50 या 100 रुपये आप बचा सकते हो, जिसका इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, बड़ी चले लाइक और शेयर करना बोलेगा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।